महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। दयालु प्रभु तू ही है का
परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। जीवन जल के सभी दर्शकों को शीघ्र दोबारा आने वाले हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में नमस्कार। परिवार नामक विषय पर संक्षेप में हम अध्ययन कर रहे हैं। हम परिवार के विषय में मनन किए हैं कि परिवार परमेश्वर के त्रिएकता का प्रतीक है, पति यीशु मसीह का प्रतिनिधि है, पत्नी कलीसिया का प्रतिनिधि है और हमारी मसीही आशा का भी प्रतिनिधित्व करता है परिवार। और पिछले दिनों में हम अध्ययन कर रहे थे, बीते सत्रों में हम अध्ययन कर रहे थे, मनन कर रहे थे कि किस प्रकार पति और पत्नी को परमेश्वर के द्वारा दी गई आध्यात्मिक जिम्मेवारियों को निभानी है। अवश्य याद रखें मेरे प्रिय भाइयों, मैंने जिन बातों को परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से आपको याद दिलाई है, जिन बातों को मैंने आपको परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से आपकी यादों में लाया, उन बातें कोई तमाशा की बात नहीं है, कुछ हंसी मजाक की बात नहीं है। इन सब आध्यात्मिक जिम्मेवारियां परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए दी है। इन जिम्मेवारियों के प्रति हमारा बड़ा दायित्व है। अवश्य याद रखें मेरे प्यारों, परमेश्वर ने यदि कुछ बातों को निर्धारित किया हो और उन बातों के प्रति हम गंभीर नहीं हो, हम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो अवश्य उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। मैंने हमारे पिछले सत्र में इस बात कही थी कि यदि पिता माता का सम्मान नहीं करता हो, प्रेम नहीं करता हो, उस घर में बच्चे कभी भी माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा। वैसे ही यदि माँ पिता को आदर नहीं करती हो, उनके अधीन नहीं रहती हो, अवश्य याद रखना उस घर के बच्चे कभी भी ना केवल अपने माता पिता के परंतु दूसरे के भी अधीन रहना पसंद नहीं करेंगे। और ऐसे घरों से जब बच्चे शादी होकर दूसरे घर जाते हैं, वहां पर भी वे बच्चे कभी भी प्रेम करने वाले और आदर करने वाले नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसी शिक्षा उन लोग पाई ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे, बहुत गंभीरता के साथ इन आध्यात्मिक सच्चाइयों को लेना आपके लिए अनिवार्य है। यदि इन आध्यात्मिक सच्चाइयों को आप नजरअंदाज कर देते हैं, अवश्य याद रखें मेरे प्यारों, आपको इसकी नतीजा भी भुगतनी पड़ेगी। आज सीमित समय में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, पारिवारिक जीवन ख्याल रखना है, फैमिली लाइफ इज केयरिंग। जैसे कई लोग सोचते हैं कि ये दो जन मिलकर पैसा कमाने का, या दो जन मिलकर शारीरिक संबंध रखने का, या दो परिवारों को केवल मिलाने का, या कुछ अन्य उद्देश्य से है, तो वो सोच गलत है। हाँ, जब शादी हो जाती है उसमें पैसे की कमाई भी हो सकती है, परिवार के मिलन भी हो जाता है और अन्य कई बातें भी उसके साथ जुट जाती हैं, परंतु इससे बढ़कर आपको मतलब पति और पत्नी को इस बात याद रखनी है, ये पारिवारिक जीवन आप दोनों के लिए है, ये आपका संसार है, दिस इज योर वर्ल्ड, दिस इज हस्बैंड्स एंड वाइफ्स वर्ल्ड। पारिवारिक जीवन, द फैमिली लाइफ। जब आपके पास बच्चे हैं, वो बच्चे निश्चय ही आपके परिवार के भाग हैं, परंतु अवश्य याद रखें कि जब सियाना हो जाएंगे, वे एक दूसरे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। बेटे शादी करके
उनकी पत्नी जब उनको मिल जाती है वो एक दूसरा परिवार बन जाता है। लड़की की शादी जब हो जाती है वो दूसरे परिवार का सदस्य बन जाती है। परिवार आपकी दुनिया है, पति और पत्नी की दुनिया है। और परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात कहता है कि ये एक दूसरे को केयर करने का, ख्याल रखने का एक विशेष अवसर है, एक विशेष जीवन है। पति को दी गई आत्मिक जिम्मेवारी के विषय में हम कई बार मनन कर चुके हैं। ये प्रेम करने की जिम्मेवारी है और इतना प्रेम करे कि यीशु मसीह जिस प्रकार अपने आप को दे के प्रेम किया है वैसे प्रेम करे। ये प्रेम करने का मतलब क्या है, वो चीज हम पढ़ रहे थे, अपने आप को देना। यीशु मसीह अपने आप को किस लिए दिया? यीशु मसीह ऐसा ही चलो आप लोग मुझे ले लो बोल करके ऐसा ही नहीं दे रहा था, कोई मतलब नहीं है आप लोग ले लो मुझको, नो ऐसा नहीं था। जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा, रोमी 5:8 में हम पढ़ते हैं। किस लिए यीशु मसीह, किस लिए मृत्यु सही? यीशु मसीह इसलिए मृत्यु सही कि हमारा उद्धार हो, हमारा पाप क्षमा हो और हम भी परमेश्वर की संतान बन जाए और परमेश्वर के आत्मिक परिवार के सदस्य बन जाए। तो हमें परमेश्वर के आत्मिक परिवार के सदस्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु सही है। तो प्रेम हमेशा एक दूसरे की भलाई चाहता है। जब पति पत्नी से प्रेम करता है तो वो हमेशा पत्नी की फायदा, पत्नी की भलाई चाहने वाला होना चाहिए। वैसे ही पत्नी भी एक दूसरे को ख्याल रखने वाला, एक दूसरे की भलाई चाहने वाला। और यदि पत्नी कोई गलती करती हो, मैं सोचता हूँ बहुमत के पति लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं और पत्नी की गलती के प्रति बहुत हल्ला हंगामा करते हैं। मेरे प्यारो, मैं भी वैसा ही एक व्यक्ति था, परंतु इन आध्यात्मिक सच्चाइयां जब मैंने समझा, मैंने अपनी गलती को मान ली और मैं अपने आप को सुधारा। और मैं इस अनुभव के साथ मैं आपको बता रहा हूं। और जब पत्नी कोई अपनी गलती को सुधार नहीं पा रही हो, प्रेम करने वाला एक पति का दायित्व तो यह है कि उसकी मदद करे कि उस गलती को वो सुधार सके। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय से हम इस बात को देखे हैं, यीशु मसीह का दायित्व तो वचन से शुद्ध करना है, बर्बाद करना नहीं है। इसलिए यदि पति देख रहा है कि पत्नी ऐसी कोई गलती कर रही है जिसको वो सुधार नहीं पा रही है, तो आप उनकी मदद कीजिए कि वो उस गलती को सुधार सके। यदि समझाने के बावजूद भी वो सुधार नहीं पाती हो, तो भारतीय परिवेश में यदि बोले तो लोग कहते हैं कि पत्नी को पीटना चाहिए। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर महिलाओं को पीटना एक आम बात लोग समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पति का दायित्व पत्नी को पीटना नहीं है, परंतु पत्नी से प्रेम करना है और उसको अपने प्यार से सुधारना है। यदि समझाने के बावजूद भी वो पत्नी अपनी गलती को सुधार नहीं पा रही हो, तो क्या करें हम लोग? क्या तलाक ले? नो, परमेश्वर का वचन कभी भी तलाक का समर्थन नहीं करता है। पत्नी को तलाक करके दूसरे से शादी करने वाले को बाइबल व्यभिचारी बुलाती है। पति को त्याग कर दूसरी महिला से शादी करने वाले को बाइबल व्यभिचारिणी बुलाती है। जब तक एक दूसरे जीवित है, दोनों जीवित है, तलाक लेने का अधिकार किसी को बाइबल नहीं दी है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य नहीं तोड़े। मनुष्य बोलने पर मैं भारतीय न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हुए मैं कह रहा हूँ कि अदालत को भी
किसी परिवार तोड़ने का अधिकार बाइबल में नहीं दिया है, क्योंकि किसी को अदालत जोड़ा नहीं है तो उसको तोड़ने का अधिकार अदालत को नहीं है। परंतु दो जन अपनी मर्जी से अदालत के पास सहायता के लिए जाते हैं तो स्वाभाविक है अदालत उनकी मदद करता है। लेकिन भारत में कोई भी ऐसा अदालत नहीं है जो पहले एक दूसरे के साथ मेल करने का विकल्प नहीं देता है, क्योंकि शादी तोड़ने के लिए नहीं, जुटा रहने के लिए, एक दूसरे का ख्याल करने के लिए। हम क्या करें तब जब पत्नी सुधार नहीं पा रही हो? मेरे प्यारों, उनके लिए प्रार्थना करनी है। बीमारी की चंगाई, आर्थिक परेशानी से सुधार, अन्य सभी बात के लिए लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है। लोग विश्वास करते हैं कि ईश्वर मेरी हर समस्या का समाधान कर सकता है। तो गलती करने वाली एक पत्नी को सुधारने के लिए क्या आप प्रार्थना नहीं कर सकते? निश्चय करना चाहिए। यदि पत्नी में ऐसी गलती हो जो वो सुधार नहीं पा रही हो सकता है उसके स्वभाव की गड़बड़ी हो सकता है कुछ अन्य मामला हो, पति का दायित्व तो यह है कि उसको शुद्ध करे। कैसे शुद्ध करे? मारा पिटी करके नहीं, उसके लिए प्रार्थना करके, उसको वचन से समझा करके, उसको एक अच्छी पत्नी, एक धर्म पत्नी के स्तर तक उठने के लिए आप उनकी मदद करनी चाहिए। वैसे ही पत्नियों को भी प्रभु ने ख्याल रखने की जिम्मेवारी दी है। पति की आलोचना करना पत्नी की जिम्मेवारी नहीं है। मैं सोचता हूँ बहुमत के पत्नी लोग सोचते हैं कि मेरा सबसे बड़ा दायित्व पति की आलोचना करनी है। पति का कुछ ना कुछ कमी को ढूंढो और उसकी आलोचना करते रहो, सुबह से शाम तक पति का शिकायत करते रहो। आप ये सही नहीं कर रहे हो, वो सही नहीं कर रहे हो, और आपका बोली सही नहीं है, आपका व्यवहार सही नहीं है, आप समय पर आते नहीं हैं, आप मेरा ख्याल नहीं करता और मेरे बच्चों का ख्याल नहीं करता, जबकि सब वही पति ही करता होगा, लेकिन अंगीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए अंगीकार नहीं करते हैं। कुछ महिला लोग इस प्रकार कहते हुए भी मैं सुना हूँ, मेरा पति बहुत अच्छा है लेकिन उनके सामने मैं नहीं मानती हूँ। ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि वो सोचती है उनका काम पति की आलोचना करनी है, क्रिटिसाइजिंग। नो, प्रभु ने वो काम नहीं दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं आदम के लिए एक उत्तम सहायक के रूप में दिया है। मैंने हमारे पूर्व के सत्र में ये बात कही थी, वहां इस्तेमाल किया गया शब्द एजर है इब्रानी भाषा में, जो परमेश्वर के लिए भजन संहिता 46 की 1 में इस्तेमाल किया गया शब्द है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वही शब्द एजर जो भजन 46 के 1 में इस्तेमाल किया है, वही उत्पत्ति में हवा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किया है। एजर शब्द का अर्थ है वन हु कंफर्ट्स। हाँ, पति भी इंसान है, उनमें कमी हो सकता है, कुछ कुछ काम वो जो करता है वो पूर्ण नहीं हो सकता। आप पत्नी की जिम्मेवारी यह है कि उनकी मदद कीजिए कि वो पूर्ण हो। इस बार वो फेल हुआ हो तो उनको कहना कोई बात नहीं, अगले बार ठीक हो जाएगा, मैं साथ तो हूं ना। आलोचना करना आपका दायित्व तो नहीं है। उनको दूसरों के सामने बेइज्जत करना आपका काम नहीं है। मेरे प्यारों, आपका काम उनको तसल्ली देना है। परमेश्वर स्त्री के शरीर को ही इस प्रकार तैयार किया है कि जिससे पति को तसल्ली मिले। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने आपको अपने पति को तसल्ली देने के लिए बनाया है, सांत्वना देने के लिए बनाया है, उनके मानसिक दुर्बलताओं के समय में उनको शक्ति देने के लिए बनाया है। परमेश्वर के विषय में भजन 46 की 1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहाय। गॉड इज अवर रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, ए वेरी प्रसन्न हेल्प इन ट्रबल। हमें जब जरूरी है उस समय मिलने वाला सहायक है परमेश्वर। और वही शब्द
हवा के लिए भी इस्तेमाल किया है। हो सकता है बाकी लोग सब हमेशा मदद के लिए नहीं आ पाता हो। एक पत्नी पति के लिए हमेशा एक सहायक के रूप में उपलब्ध होना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैंने अपने पूर्व के सत्र में भी कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय आदि अध्यायों में भी हम लोग पवित्र आत्मा के लिए सहायक शब्द इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं जाऊँ तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज दूंगा, आई विल सेंड यू ए हेल्पर। तो पत्नी की सेवगाई वो सेवगाई है जो पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? यीशु मसीह जब जा रहा था, यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर रहा था, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यरूशलेम छोड़कर कहीं नहीं जाना। प्रेरितों के काम पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं, यरूशलेम छोड़कर के कहीं नहीं जाना, जब तक ऊपर से सामर्थ्य नहीं आती है यरूशलेम छोड़ के नहीं आना। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब हम लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतर आया, ये कमजोर डरपोक अनबर्ड गवार यीशु मसीह के प्रेरित लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। और उसके बाद क्या हो गया, वो प्रेरितों के काम जब हम पूरे अध्यायों को पढ़ते हैं, एक सामर्थ्यवान प्रेरितों को हम देखते हैं, एक बलशाली प्रेरितों को देखते हैं, किसी से नहीं डरने वाले प्रेरितों को हम देखते हैं, सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा, हेल्पर, सहायक। याद रखो मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर के वचन आपको पुरुष से नीचे स्तर में नहीं दिखाया है, परंतु अधीन रहने के लिए और समर्पित रहने के लिए आदि इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको दी गई जिम्मेवारी वही है। और पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:26 में हम लोग पढ़ते हैं, वो विश्वासी को अनाथ नहीं छोड़ता है। जब विश्वासी को अकेलापन का फीलिंग होता है, एहसास होता है, वो साथ रहने वाला है। आदम का अकेलापन को दूर करने के लिए परमेश्वर हव्वा को दिया था। मुझे सुनने वाले बहनों, मैरिज लाइफ इज अ लाइफ ऑफ केयरिंग। आपके पति जब दुखी हो जाते हैं, हो सकता है उनके नौकरी चला गया हो सकता है वो बीमार हो गया हो, आर्थिक समस्या में हो, उनको तसली देने वाले आपको होना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ हिम, उनका ख्याल रखना है। और पवित्र आत्मा अगुवाई करने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा का अगुवाई कैसे है? पवित्र आत्मा कभी भी प्रकट नहीं होता है। इस मिनिस्ट्रीज आर इनविजिबल मिनिस्ट्रीज। पवित्र आत्मा कभी भी स्वयं अपने आप का प्रदर्शन नहीं करता है। और वो यीशु मसीह को ऊंचा उठाने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:14 में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा वो स्वयं कुछ नहीं कहता है, वो यीशु मसीह के बारे में हमें समझाता है और हमारे द्वारा यीशु मसीह को महिमा देते हैं। मेरे प्यारो, एक पत्नी का दायित्व ये नहीं है कि हर जगह में अपने पति को नीचा कर दिखाए और अपने आप को एक बहुत बड़ी हीरोइन के रूप में प्रदर्शित करे। मैं सब सही करती हूँ, मेरे पति सब कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये कहना आपका काम नहीं है। याद रखना, आपकी सेवगाई पवित्र आत्मा की है और पवित्र आत्मा पिता से और पुत्र से कम नहीं है। उनका स्थान पिता और पुत्र से तुल्य है। वो अपने आप को प्रकट नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिता से और पुत्र से छोटा है। वैसे ही अदृश्य रहने का या अपने आप को प्रकट नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि आप छोटे हैं, परंतु आप एक आत्मिक जिम्मेवारी को निभा रही हैं। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के इन आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझ करके एक आशीषमय पारिवारिक जीवन बिताने के लिए आप सभी की मदद करे प्रभु। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूँ। मेरी कामना है, प्रार्थना है,
जीवन जल के सभी दर्शकों को प्रभु अपनी आशीष दे करके आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करे और एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताने के लिए जिससे प्रभु की महिमा हो प्रभु आपकी सहायता करे, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता: जीवन चल नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पोंडेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjal.tv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।